स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व का उत्प्रेरकीय गुण। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्सप्लेन कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व का उत्प्रेरकीय गुण समझाइए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस में देखा होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट ट्रीट होता है। ठीक है, आपने अधिकांश अभिक्रियाओं में देखा होगा संक्रमण तत्व को हम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे नंबर वन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें हम H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। हैबर प्रोसेस, जिसमें हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हम Fe2O3 आयरन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद ऑस्वाल्ड प्रोसेस, जिसमें हम नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हम प्लैटिनम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जिसमें हम निकिल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ट्रांजिशन मेटल को, संक्रमण तत्व को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब बात यह आती है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज क्यों करते हैं? तो देखिए, इसके रीजन में पहले नंबर पर है वैकेंट n-1d ऑर्बिटल। वैकेंट n-1d ऑर्बिटल, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं, इसमें n-1d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स इन वैकेंट n-1d ऑर्बिटल में दे देते हैं और ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड हो जाते हैं। जब सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड हो जाएंगे तो इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होने से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया पहला रीजन। ठीक है, अब इसे मैं आपको ठीक तरीके से बताता हूँ। देखिए इस फर्स्ट पॉइंट को कैसे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पर ये एक ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल में मैंने यहाँ पर निकिल ट्रांजिशन मेटल को ले लिया और ये इसकी क्या है, सरफेस है। ये देखिए डियर, ये इसकी यहाँ पर क्या है, सरफेस है। अब ये जो ट्रांजिशन मेटल निकिल है, इसमें वैकेंट n-1d ऑर्बिटल होता है। ये देखिए n-1d वैकेंट, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है कि इन वैकेंट n-1d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन इन n-1d वैकेंट ऑर्बिटल में दे देते हैं और इस सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड हो जाते हैं। इस तरह से ये एड्सॉर्ब्ड हो गए। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे और उनकी सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड होते रहेंगे। अब सरफेस पर क्या होगा कि इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाएगी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल से एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे और सरफेस से क्या, धीरे धीरे अलग होते चले जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि निकिल की जो सरफेस है, जब इस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब्ड हो जाते हैं, एड्सॉर्ब्ड होते हैं, तो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे एड्सॉर्ब होने से इनकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है,
जिससे ये मॉलिक्यूल फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं, और एटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल फॉर्म से ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी से प्रोडक्ट बनाकर इस सरफेस से हट जाते हैं और सरफेस को खाली कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट देखें पहले, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी संक्रमण धातुएं होती हैं उनमें रिक्त N-1D कक्षक होता है। रिक्त N-1D कक्षक होने के कारण अभिकारक अणु अपने इलेक्ट्रॉन इन रिक्त N-1D कक्षक को दे देते हैं। देने से ये अभिकारक अणु उस संक्रमण तत्व की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, उसकी सतह पर जाकर बैठ जाते हैं। जब सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे तो उन अभिकारक अणुओं के मध्य उपस्थित बंध धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएंगे, दुर्बल होने लग जाएंगे, और जिससे इन अभिकारक अणुओं की संकीर्ण ऊर्जा का मान घटता चला जाएगा। अब ये जो अभिकारक अणु हैं ये आणविक अवस्था से परमाणविक अवस्था में आ जाएंगे, जिसके कारण ये अब और अधिक सक्रिय हो जाएंगे, जिसके कारण ये उत्पाद का निर्माण शीघ्रता से कर लेंगे और इस उत्प्रेरक की सतह से हटते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर वही नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, सरफेस को खाली कर देंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस लगातार जो है चलता रहता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। ये जितनी भी ट्रांजिशन मेटल होती हैं ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करती हैं। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करने की वजह से ये क्विकली रेडीली इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से देखिए, जितनी भी ट्रांजिशन मेटल होती हैं ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करती हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ इजीली इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पॉइंट। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जितनी भी संक्रमण धातुएं होती हैं वे परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, जिसके कारण ये अभिकारक अणुओं के साथ शीघ्रता से अंतर्माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, अब आपको पता है इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, अंतर्माध्यमिक यौगिक का निर्माण हो गया, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसी को, सेकेंड लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, संपर्क विधि में, जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो देखिए वहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, SO2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि यहाँ पर ये कैटलिस्ट है। ठीक है, अब ये SO2 1/2 O2 मतलब होता है सिंगल ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये फॉर्मेशन हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर SO2 1/2 O2 से रिएक्ट करके SO3 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है, और वहाँ पर V2O5 एज ए कैटलिस्ट होता है। तो ये रिएक्शन आप जानते हैं, लेकिन रियल में ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। ठीक है, ये रिएक्शन किस तरह होती है, चलिए मैं बताता हूँ आपको रिएक्शन कैसे होती है। ये डियर टू स्टेप में होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है SO2 को अपना एक ऑक्सीजन देकर सल्फर ट्राइऑक्साइड पहले बनाता है, फिर ये V2O4 अब 1/2 O2 से रिएक्शन करके वापस से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। चलिए देखिए फिर कैसे होता है। ये देखिए OR, हम इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए कैसे होता है ये। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये फर्स्ट स्टेप में देखें आप, ये SO2 गैस है, ठीक है, और यहाँ पर ये V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यहाँ पर अगर हम वेनेडियम
ये वेनेडियम की वैलेंसी देखें ऑक्सीजन स्टेट, तो यहाँ पर कितनी है डियर, प्लस फाइव है, ये प्लस फाइव लिख दी। अब होता यह है कि ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देता है SO2 को, जिसकी वजह से ये SO3 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है और ये V2O5 अब V2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। जब V2O4 में कन्वर्ट हो जाता है तब इसकी वैलेंसी होती है किसकी, वेनेडियम की, प्लस फोर होती है यहाँ पर। अब नेचुरल है कि ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यहाँ पर वेनेडियम की वैलेंसी फाइव है, लेकिन V2O4 बनने की वजह से इसकी वैलेंसी अब कितनी हो गई, प्लस फोर हो गई। तो नेचुरल है अपनी वैलेंसी फिर से क्या करेगा, प्लस फाइव करेगा। तो ये V2O4 जो है सेकेंड स्टेप में देखिए, ये V2O4 ये जो 1/2O2 होता है अब इससे रिएक्शन करेगा 1/2O2 गैस से, ठीक है, और फिर से बना लेगा क्या, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। जैसे ही ये बन जाएगा फिर से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी डियर, ये फाइव हो गई। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी क्या, कि जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं ये वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ आप ये समझिए कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में इसकी वैलेंसी पहले प्लस फाइव थी, इसने थोड़ी देर के लिए अपनी वैलेंसी को प्लस फोर किया, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, वापस इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, प्लस फाइव हो गई, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। जब एक ही एलिमेंट अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, ठीक डियर स्टूडेंट्स। यस, अब हम आगे चलते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है इसका, लार्ज सरफेस एरिया और प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी, ठीक है। आप जब लिखें तो दोनों पॉइंट एक साथ लिखें, लार्ज सरफेस एरिया और प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी, ठीक है। हिंदी में देखें, सतह का क्षेत्रफल अधिक या मुक्त संयोजकताओं की उपस्थिति, सतह का क्षेत्रफल अधिक या मुक्त संयोजकताओं की उपस्थिति, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होती है या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। क्यों होता है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया इसलिए होता है क्योंकि इनमें प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी होती है। इनकी सतह का क्षेत्रफल अधिक इसलिए होता है क्योंकि इनमें मुक्त संयोजकताओं की उपस्थिति होती है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनकी सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड होंगे। ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब्ड होंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी तेजी से होगा, ठीक है। इधर देखें, सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो अभिकारक अणु इनकी सतह पर अधिक अधिशोषित होंगे। जब अभिकारक अणु अधिक अधिशोषित होंगे तो उत्पाद का निर्माण भी अधिक मात्रा में होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है 1, 2, 3, ठीक है, इसी में मैंने ऐड किया था क्या, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी, ठीक है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया जो है प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी की वजह से ही होता है, ठीक है ना। इसको आपने पहले फील किया होगा, नहीं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये निकिल है, इसको आप निकिल को देखें पहले, ये निकिल है, ये निकिल को मैंने इस तरह से लिख दिया, ये निकिल। अभी यहाँ पर ये जो निकिल है ये सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से इसकी फ्री वैलेंसी देखिए कितनी है। यहाँ पर यहाँ से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर ये 8 फ्री वैलेंसी है इसकी, ये फ्री वैलेंसी, ठीक है। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यहाँ से थोड़ा सा इसको तोड़ दें, ठीक है, तो इसकी फ्री वैलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हम इसी को पाउडर फॉर्म में ले लें, यानी और ब्रेक कर दें इसको,
यानी अब हम इसको अगर पाउडर फॉर्म में ले लें तो क्या होगा, आप देखिए पाउडर फॉर्म में लेने पर एक एनआई की फोर वैलेंसी होगी, ये देखिए 1 2 3 4, तो एक की फोर हो गई, तो फोर की कितनी हो जाएगी डियर 16, तो ये देखिए यहां पर फोर वैलेंसी और हो गई, फिर देखिए एनआई की फोर वैलेंसी और हो गई, फिर देखिए एनआई की ये देखिए फोर वैलेंसी और हो गई। इस तरह से जो एट फ्री वैलेंसी थी वो फ्री वैलेंसी पाउडर फॉर्म में लेने पर कितनी हो गई डियर 16 फ्री वैलेंसी हो गई यहां पर, ये देखिए 16 फ्री वैलेंसी। और यही वजह होती है क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम एज ए कैटलिस्ट जो ट्रांजिशन मेटल लेते हैं उनको पाउडर फॉर्म में लेते हैं, तो पाउडर फॉर्म में लेने पर क्या होता है उनकी फ्री वैलेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब फ्री वैलेंसी और ज़्यादा बढ़ गई तो सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ गया, जब सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तेजी से होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्री वैलेंसी ज़्यादा होगी तो उनकी सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा एडसॉर्ब होंगे। ठीक है, क्लियर? हिंदी में सुने, देखिए हम जानते हैं कि यहां पर निकिल की जो मुक्त संयोजकता है वो अभी कितनी 8 है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको हम चूर्ण अवस्था में पाउडर अवस्था में ले लेते हैं तो ये देखिए एक निकिल की 4 है, तो 4 निकिल कितनी हो जाएंगी 16, तो इसकी 16 मुक्त संयोजकता हो जाएंगी। तो यही कारण है क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हम उत्प्रेरक लेते हैं या अभिकारक अणु लेते हैं वो पाउडर अवस्था में लेते हैं, क्योंकि पाउडर अवस्था में लेने पर इनकी मुक्त संयोजकता अधिक होती है। जब इनकी मुक्त संयोजकता अधिक होगी तो इनकी सतह पर अभिकारक अणु अधिक अधिशोषित होंगे, जब अभिकारक अणु अधिक अधिशोषित होंगे तो उत्पाद का निर्माण भी शीघ्रता से होगा। ठीक है, जिससे अभिक्रिया दर में क्या होगी, तेजी से वृद्धि हो जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर है? यस। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इस आंसर को लिखते हैं तो उस आंसर को आप समझने के बाद अपने तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके एग्जाम्पल पर आप विशेष ध्यान दें प्लीज। कैसे? देखिए अगर हम यहां पर प्रोसेस और फिर हम अगर कैटलिस्ट की बात करते हैं तो देखिए पहला नंबर पर है मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस। H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि में हम वेरिडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, वेरिडियम पेंटाऑक्साइड को हम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम प्लेटिनम एस्बेस्टास भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये सस्ता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि सस्ता होता है और देर से खराब होता है, इसलिए हम V2O5 को लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलें हम। देखो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि होती है उसमें हम आयरन को एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक है, जिसको हम Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में लेते हैं। ठीक, आगे देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, तेल के हाइड्रोजनीकरण में हम निकिल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखें हम, देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्वाल्ड प्रोसेस, ये देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्वाल्ड प्रोसेस, ऑस्वाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में हम प्लेटिनम गाज यानी कि प्लेटिनम जाली का उपयोग करते हैं एज ए कैटेलिस्ट।